नमस्कार साथियों, आप सभी का नंद विश्वकर्म यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्म हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा वह है डीएलएड से संबंधित टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर में यदि किसी कारणवश हम प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाएँ तो क्या हमें डीएलएड सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या हमें पुनः डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। यदि आप डीएलएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तब मेरे चैनल नंद विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर कि यदि हम किसी कारणवश डीएलएड फर्स्ट ईयर में एग्जाम ना दे पाए तब क्या होगा, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम। जैसे कई बार हमारी परेशानी कोई आ जाती है जिसके कारण हम किसी प्रैक्टिकल में सम्मिलित नहीं हो पाते, तब ऐसी स्थिति में यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आप ग्रांड टोटल में जो थ्योरी में है उसमें तो पास माने जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आपकी सप्लीमेंट्री होगी जिससे आपको प्रैक्टिकल के पेपर पुनः देने पड़ेंगे, किंतु आपकी साल बर्बाद नहीं होगी, आपको पुनः डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका डीएलएड सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, बाकायदा आपको डीएलएड सेकेंड ईयर के एग्जाम देने मिलेंगे। किंतु डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको थ्योरी अर्थात सैद्धांतिक एग्जाम देने मिलेंगे, प्रैक्टिकल प्रायोगिक एग्जाम देने में पड़ेंगे। साथ ही आपके जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में आप किसी कारणवश प्रैक्टिकल में सम्मिलित नहीं हो पाए थे तो डीएलएड सेकेंड ईयर में उसके एग्जाम आपके अलग से करवा लिए जाएंगे। इस तरह आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर में यदि प्रैक्टिकल या प्रायोगिक एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तब आपकी साल बर्बाद नहीं होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।